फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन आवर चैनल सॉफ्ट न्यूज़। कैसे हैं आप सभी दोस्त? दोस्तों, आज का वीडियो आप दोस्तों के लिए फिर से बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए दोस्तों बहुत ही एक खुशखबरी की न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और दोस्तों, 6 न्यू साउथ की हिंदी डब्ड मूवीज़ के बारे में भी बताने वाला हूँ। इनमें से 4 दोस्तों हिंदी में आपको यूट्यूब पर ही देखने के लिए मिल जाएंगी, और 2 मूवी आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को ज़रूरी लास्ट तक देखते रहना। और इसी दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो कर लें अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ज़रूरी प्रेस करना। दोस्तों, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और दोस्तों वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको लिंक का भी पता नहीं लगेगा कि कौन सी मूवी की लिंक कितने नंबर पर रखी गई है। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूरी देना, एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर जो मूवी आती है उसका नाम है श्रीकंता। दोस्तों, 2017 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात की जाए तो स्टारकास्ट में शिवा राजकुमारा, चंदनी और विजय राघवेंद्रा देखने के लिए मिले थे। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb की तरफ से रेटिंग दी गई थी 5.8 out of 10 की, जो कि एक दोस्तों अच्छी खासी रेटिंग थी। इस रेटिंग वाली मूवी की स्टोरी बहुत ही बढ़िया होती है। इस फिल्म की डबिंग दोस्तों 100% कम्प्लीट हुई थी, बैनर अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये फिल्म अगर आप अभी के अभी YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अनऑफिशियली YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार तो इस फिल्म को वॉच कर लेना। दोस्तों, नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर जो मूवी आती है उसका नाम है बरातापुरम। ये फिल्म भी दोस्तों 2018 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट में शशि कुमार, सुब्रमण्यम और अरुल मानी देखने के लिए मिले थे। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.1 out of 10 की रेटिंग दी गई है। दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी में सेम नाम से ही रिलीज करवाया जाने वाला है, जो कि हिंदी डबिंग इस फिल्म की सिलेक्ट फ्लेक्स मूवीज ने कम्प्लीट करवाई है। और इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर स्टार गोल्ड पर हो चुका है, स्टार गोल्ड उत्सव पर। और ये फिल्म दोस्तों आपको सिलेक्ट फ्लेक्स मूवीज के यूट्यूब चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। दोस्तों, नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर जो मूवी आती है उसका नाम है दोस्तों मुकद्दर। मुकद्दर मूवी भी दोस्तों रिलीज हुई थी 2014 में। ये वैसे हिंदी डब्ड वर्जन थी दोस्तों विलय कारा धुराई मूवी का, जो कि 2014 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जिस फिल्म में आपको एक्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। इस फिल्म की कास्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रम प्रभु, श्री दिव्या और सूरी, जैसा सूरी का भी बहुत ही बड़ा रोल था इस फिल्म में। और दोस्तों, इस फिल्म की अगर बात की जाए तो ये फिल्म भी आपको देखने के लिए अब हिंदी में मिल गई है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से रेटिंग दी गई है दोस्तों 3.7 out of 10 की, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। इस फिल्म की डबिंग की बात की जाए तो डबिंग जी इंडिया नेटवर्क ने करवाया था, और ये फिल्म भी आपको ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। दोस्तों, नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर जो मूवी आती है उसका नाम है काली। काली मूवी भी दोस्तों 2018 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात की जाए तो वेरी टैलेंटेड एक्टर विजय एंथनी, शिल्पा मंजूनाथ और दोस्तों अंजलि देखने के लिए मिली थी। इस फिल्म को हिंदी में जवाब द जस्टिस नाम से रिलीज करवा दिया गया है। दोस्तों, रिलीज आज ही ये हो जाएगी। IMDb की तरफ से 5.1 out of 10 की रेटिंग दी गई है इस फिल्म को। ये फिल्म भी आपको आज रात को जी सिनेमा पर देखने के लिए मिलने वाली है 9 बजे। उसके बाद ये फिल्म यूट्यूब पर अनऑफिशियली आई तो आपका भाई लिंक नीचे प्रोवाइड कर देगा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर जो मूवी आती है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी, उसका नाम है अंजाम पुथीरा। इस फिल्म के लिए तो आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे और इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन का बहुत ही इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, ये फिल्म भी अब आने वाली है हिंदी में। इस फिल्म की कास्ट में दोस्तों बब्बन, उनमिया प्रसाद और नंदिनी वर्मा देखने के लिए मिली थी। दोस्तों, ये एक बेस्ट सस्पेंस ड्रामा मूवी थी, जो कि रसासन मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक मूवी थी ये फिल्म। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb पर 8 out of 10 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग दी गई है, और इस फिल्म को मिथुन मोनोल थॉमस ने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं।
डायरेक्शन की तो इस फिल्म में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये फिल्म भी आपको बहुत जल्दी हिंदी में देखने के लिए मिलने वाली है। डबिंग इस फिल्म की 100% कंप्लीट हो चुकी है रुद्रा साउंड एंड सॉल्यूशंस में, और ये फिल्म तकरीबन तकरीबन आपको जी सिनेमा पर हिंदी में देखने के लिए मिल सकती है। ये अभी कन्फर्म नहीं है कब तक रिलीज़ होगी, लेकिन ये फिल्म की डबिंग कंप्लीट है। अगर इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6 पर है, वो बहुत ही खुशखबरी की बात है, वो है दोस्तों संकेत महात्रे इज बैक इन गोल्ड माइन स्टाइल फिल्म। दोस्तों संकेत महात्रे आ चुके हैं फिर से गोल्ड माइन स्टाइल फिल्म के स्टूडियो में, और फिर से आने वाली हैं बहुत ही सारी मूवीज जो कि बड़ी बड़ी मूवीज पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ निकल के आ रही है वो मिल चुका है, सरेलेरू निकेवरू, जो कि हिंदी डबिंग दोस्तों हो चुकी है इस फिल्म की। अभी स्टार्ट तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिनों में इस फिल्म की डबिंग को स्टार्ट करवा दिया जाएगा। 2020 में एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी थी ये, कास्ट में महेश बाबू के साथ आपको रश्मिका मंदना और प्रकाश राज देखने के लिए मिले थे। दोस्तों याद रहे कि इस फिल्म की डबिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है कि स्टार्ट होने वाली है, अभी रूमर्स ही हैं। वैसे संकेत महात्रे काफ़ी सारी मूवीज़ को डब्ड करने वाले हैं गोल्ड माइन स्टाइल फिल्म की। हो सकता है गोल्ड माइन स्टाइल फिल्म वाले पहले किसी और मूवी को डब्ड करवा लें इस फिल्म की डबिंग को, फिर पेंडिंग में डाल दें, पता नहीं लगता गोल्ड माइंस का। देखते हैं आप गोल्ड माइंस वाले क्या करते हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म अब रिलीज़ होने ही लगेगी, डबिंग जब इस फिल्म की स्टार्ट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों आप हो चुके हैं कितने एक्साइटेड सरेलेरू निकेवरू मूवी देखने के लिए हिंदी में, और अंजाम पुथीरा मूवी को कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताना, कमेंट तो ज़रूरी किया करें दोस्तों। और दोस्तों जो मैंने 4 अवेलेबल के बारे में बताया है उनमें से कौन सी मूवी देख चुके हैं और कौन सी मूवी को देखने वाले हो ये भी जरूरी बताना। तो वीडियो था यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक दें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले तक तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।